गाइस मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस लगातार 15 दिन फॉलो कर लीजिए, आपका जितना भी एक्स्ट्रा बैक फैट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। जब हम ब्रा पहनते हैं, स्पेशली गर्ल्स या हम स्लीवलेस पहनते हैं, तो हमारा ये वाला फैट, आर्मपिट वाला फैट और बैक फैट बहुत ज्यादा ऑड लगता है। हम अपने कोई भी फेवरेट क्लोथ नहीं पहन पाते, टाइट फिटिंग ब्लाउजेस नहीं पहन पाते, बैकलेस ड्रेसेस नहीं पहन पाते। बट डेफिनेटली 15 डेज आप इसको फॉलो करो, आपको आपकी बॉडी में ह्यूज डिफरेंस फील होगा। बट इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि एक्सरसाइज स्टॉप कर दो। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि दीजिए हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो हमारा बॉडी वैसा ही हो जाता है, फैटी हो जाता है, बट ऑब्वियस है क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो इससे आपके ओवरऑल बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे जो भी आप खाते हैं आपको पचना शुरू होता है। और वहीं जब आप वर्कआउट स्टॉप करते हैं तो नॉर्मल रूटीन वाला आप जो खाना खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, लेकिन वो पचेगा कैसे? पचेगा तभी जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि शुगर इनटेक कम कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा शुगर आप इनटेक करते हैं फ्यूचर में आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हेयर फॉल होने लगता है और वेट गेन तो स्पेशली जो बेली एरिया है वो आपका कभी भी नहीं जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद में आपने अपने दोनों हैंड्स को ऐसे सामने लेकर आना है, उसके बाद आपने इस तरीके से पूरा बैक स्ट्रेच करना है। एक दो बार आप इसको करेंगे तो आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा। 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे, उसके बाद आप इसके 5 सेट्स करेंगे। अब 5 सेट्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इसका मतलब होता है 5 सेट्स मतलब यानी आपको उसके 5 क्रिएट करने हैं। 20 बार आपने करा उसको, आपने 30 सेकंड रेस्ट लिया, फिर उसको आपको 5 बार ऐसे रिपीट करना है, यानी 100 बार आपने इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। 100 बार सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे और जब आपको एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट आपको इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी ही पड़ेगी। दिखा देती हूँ बैक साइड से, उसके बाद आपको फ्रंट से दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रेच मेरे बैक पे फील हो रहा है, पूरा खिंचाव। बेसिकली ये चीज ही आपको एंगेज करनी है। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से हैंड्स को जॉइन करना है, बैक साइड लेके जाना है और उसके बाद में आपने इस तरीके से डाउन एंड अप करना है, ठीक है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं शोल्डर में ओपन कर रही हूँ इस तरीके से, देन अप साइड लेके जा रही हूँ इस तरीके से, पूरा ओपन करना है, देन तभी आपके यहाँ पे आपको पूरा खिंचाव फील होगा। और इसको आपने करना है 5 सेट्स, इसके भी 100 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से हैंड्स को ओपन करना है अपने साइड्स पे, उसके बाद में आपने यहाँ लेकर जाना है पूरा फोर्सफुली लाइक दिस। आप जब इस तरीके से फोर्सली अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं तो आप नोटिस करें कि पूरा स्ट्रेच आपके बैक पे यानी यहाँ ब्रा एरिया पे आपको फील हो रहा होगा। इसको हम करेंगे 20 बारी और 30 सेकेंड्स रेस्ट, वही हम इसे करेंगे 5 सेट यानी 100 टाइम्स रिपीट हम इसको करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपने अपनी बॉडी को स्क्वीज करना है अंदर की तरफ फोर्सफुली, ये नहीं ढीले ढीले तरीके से नहीं करना है। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो गाइस अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपने हैंड्स को इस तरीके से अपसाइड लेके जाना है, देन उसके बाद पूरी फोर्सफुली आपने डाउन लेके जाना है लाइक दिस, ठीक है। इससे आपका पूरा बैक जो है वो स्क्वीज हो रहा है। 20 टाइम्स हम इसे परफॉर्म करेंगे, 30 सेकंड्स रेस्ट लेंगे, देन अगेन हम इसके 5 सेट्स क्रिएट करेंगे यानी 100 टाइम्स हम इसे रिपीट करेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। आप इसको स्टार्ट तो करें मेरे साथ।
रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से हैंड को यहाँ से होल्ड करना है और आपने ऐसे स्ट्रेच करना है वन बाय वन, ठीक है, इस तरीके से साइड टू साइड 20 टाइम्स 5 सेट्स। रिलैक्स। तो यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसी कुछ नया दिखना चाहते हैं तो अपनी ईशा को प्यार देते रहें। आपके प्यार की जरूरत मुझे यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है iishamehra, वहाँ फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। चलो मिलते हैं कल कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।